जी हाँ, क्या मामला है और आज किसकी तरफ से आप मामला दर्ज करा रहे हैं? देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके खिलाफ एक चैनल के जो हैं एंकर, उन्होंने अर्णव गोस्वामी जी, उन्होंने बहुत ज्यादा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। अपशब्द, अभद्र टिप्पणी करी है, जबकि हम जानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है और वो बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ों का। जो चीज़ होती है उसको आप खुल करके बोलिए। संतों की हत्या हुई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, सभी इसका विरोध कर रहे हैं, सभी के दिल में दर्द है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर महिला को लेकर के, जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्त्र भारत के लिए न्यौछावर किया है, हम जानते हैं कि वो किसकी पत्नी है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पत्नी है, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी जी की बहू हैं, जिन्होंने उनकी बाहों में दम तोड़ा। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी पारिवारिक संस्कार किसी महिला के लिए इस तरह से कहने की कोई संस्कार नहीं देता है, तो कम से कम उनको बोलने से पहले सोचना तो चाहिए था कि वो जो मीडिया है जो सपोर्ट करती है, महिलाओं को सम्मान करती है, उसके खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, किसके कहने पर उगल रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है और हम लोग कृष्णगंज थाने महिला कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने आए हैं। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महिलाओं में ये एक सोनिया जी को लेकर के जो एक मोहब्बत है, जो उनके लिए, जो उनके त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं, उसके लिए हम सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहे हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। अर्णव गोस्वामी जी जो कि एक एंकर हैं, टीवी रिपोर्टर हैं। सबा खान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अजमेर शहर। मामला यह है कि आर भारत चैनल है, रिपब्लिक भारत चैनल, उसके जो मुख्य एडिटर और जो उसके ओनर है अर्णव गोस्वामी जी, तो अर्णव गोस्वामी जी ने जब से ये चैनल खोला है, आपने भी देखा होगा, पूरी जनता ने देखा होगा किस तरह उत्तेजना में और किस तरह आक्रामक रूप से वो अपने चैनल पे डिबेट करते हैं और एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, अपनी मन मर्जी से जैसा चाहे माहौल क्रिएट करना चाहे वैसा कर देते हैं, लोगों में उत्तेजना ला देते हैं जानबूझ के अपनी TRP बढ़ाने के लिए। और वो शुरू से जब से चैनल खुला है कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के विरोधी रहे हुए हैं, जानबूझ के ऐसी ऐसी झूठी बातों से वो मुद्दा बनाते हैं। इसी बात को लेकर अभी 21/4/2020 को एक जो उनका चैनल पे कार्यक्रम है पूछता है भारत, उसमें उन्होंने एक डिबेट रखी थी, डिबेट इस मैटर को लेकर रखी थी जो पालघर में जो दो साधुओं की और एक ड्राइवर की हत्या हुई थी, तो वो हत्या तो भीड़ ने करी थी, उसमें आज क्लियर भी हो गया, महाराष्ट्र की सरकार ने वो जाहिर भी कर दिया 101 नाम की वो मुस्लिम हिंदू का मैटर नहीं है। लेकिन उस मैटर को उन्होंने क्या मोल्ड दिया, उन्होंने इसको पूरा सांप्रदायिक मोल्ड दे दिया, क्योंकि तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि उन साधुओं को किसने मारा, इन्होंने तो चैनल पे उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया और इन्होंने देखा TRP बढ़ेगी, उसको लेके इन्होंने शिकार किसको बनाया, सोनिया गांधी जी को बनाया। सोनिया गांधी जी को ऐसा शो करने की इन्होंने कोशिश करी कि वो साधुओं को मरवा रही है और इटली रिपोर्ट भेज रही है, और उन्होंने अपने चैनल में बाकायदा ये कहा है जिसका कोई आधार नहीं है, उसकी हमने रिपोर्ट में दी है, जो हमने रिपोर्ट दी उसमें उसको हमने दिया है, इसकी CD भी दी है, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जी के लिए कि वो खुश हैं कि संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहाँ से वाई मिलेगी उसको, वाह बेटा वाह सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो। फिर वो कहते हैं अर्णव जी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्या इनको लगता है हिंदू चुप रहेंगे, उसके बाद भी कई टिप्पणियां करी है और भी कई टिप्पणियां करी है, मतलब कुल मिला के इसको ये मोल्ड दिया है कि हिंदुओं की और संतों की सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी दुश्मन है। हमने ये देखा, हमको बहुत भावनाएं आई थी, इस तरह से आक्रामक रूप से वो ऐसा करते तो ये सरासर गलत है। क्या प्रेस मीडिया इस तरह से कोई नहीं करती, पूरी प्रेस मीडिया को बदनाम करते हैं वो, प्रेस मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहती है, लेकिन ये चैनल ऐसा है जो अकेला चैनल पूरी मीडिया को बर्बाद कर रहा है, पूरी मीडिया का विरोधी है ये, मीडिया की इमेज इस तरह से ख़राब कर दी इस चैनल ने कि मतलब बोलते शर्म आती है कि मीडिया का स्तर क्या जा रहा है, जबकि हमारे मीडिया भाई ऐसे नहीं है, हमेशा निष्पक्ष मीडिया का रहा है मामला, एक चौथा स्तंभ है, लेकिन इस तरह के जो न्यूज़ चैनल होते हैं, तो हमारी यही रिपोर्ट में मांग है और आगे भी हम ये इसके चैनल को भी बंद कराने की करेंगे। मैंने तो यहाँ पे अजमेर में मुकदमा दर्ज कराया है, यहाँ कृष्णगंज थाने पे यहाँ रिपोर्ट दी है और सब जगह का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन चूंकि मैंने जब देखा हमारे पास भी फ़ोन आएगी, यार कांग्रेस पार्टी इस तरह से क्या कर रही है, साधुओं को मरवा रही है, तो ये मेरे को देख के भी बड़ा मतलब एक तरह से बहुत अच्छा नहीं लगा कि चैनल पे आर भारत पे इस तरह से बातें हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट कृष्ण थाने पे दिया। वैभव जैन हूँ मैं, शहर कांग्रेस महासचिव और विधि विभाग का अध्यक्ष हूँ, वैभव जैन एडवोकेट।